अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंदौर के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के प्रशिक्षणार्थी और अधिकारी भी योग करते हुए नजर आए। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत इंदौर के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र द्वारा भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको पता है कि आप वो लकी पर्सन है जो बलियां दिलाने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। ब्लड का फ्लो होता है उसके लिए बहुत अच्छा फल है। धीरे धीरे लेट हो जाए और टो के ऊपर आ जाए, जो भी अपने टो एक से नीचे आइए, अपने दोनों टलों को वहीं से नीचे आ जाए, एक कदम आगे और एक कदम पीछे हो सकते हैं। आपकी हथेली जो है वो सामने की तरफ प्रॉब्लम है, उनको ये ठीक करता है, मतलब सीधा अपना बैकबोन को सीधा करते हैं। सुबह 7 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बीएसएफ के प्रशिक्षणार्थियों, अधिकारियों, उनके परिजनों और अन्य लोगों ने योग क्रिया में भाग लिया। इस मौके पर बीएसएफ इंदौर के प्रभारी डीआईजी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीएसएफ के प्रशिक्षण के दौरान योग को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना अनिवार्य होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे जितने भी कार्मिक हैं इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में, सभी लोगों को इन्होंने योग के कार्यक्रम में भाग लिया है। और एक घंटे का सेशन था जिसमें हमने यहाँ के सारे कार्मिक जो सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कार्मिक हैं वो और महिलाएँ और बच्चे, सभी लोगों ने शामिल लिया और योग सीखा है और योग को अपने दैनिक जीवन में पालन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे हमारे जो शरीर की बाहरी संरचना है उसमें सुधार होता है, और योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसको करने समय शरीर के बाहर की जो सौष्ठव है वो निखरता है, उसके अलावा जो शरीर के अंदर की जो अंगों की शक्ति है वो बढ़ती है। इसलिए योग का महत्व ज़्यादा है और हम अपने एसटीसी के कार्यक्रम में योगा को नियमित रूप से पालन करते हैं। इसके दैनिक जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसमें योगा एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको रोजाना अभ्यास में लाया जाता है। कुल मिलाकर योग के महत्व को देखते हुए अब बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में भी योगासन सिखाए जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।